हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ लेके आए हैं और उसके लिए क्या क्या यूज़ होता है मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए, आपको फिश नज़र आ रही होंगी। ये इसमें सब प्लास्टिक की जो बॉटल है हमारी, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इसमें वो यूज़ हुई हैं। ये देखिए, ये फिश है, ये क्रश है, ये है जी, ये हमारे पर्ल हैं, ये हमने बॉटल का ही काटा हुआ है इसको, और आपको बाद में पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, क्या बनाया हुआ है। और ये कुछ पत्ते हैं जो आर्टिफिशियल हैं, बेल से लिए हैं। और एक ये बॉटल है, एक बड़ी बॉटल लेके और दूसरी छोटी बॉटल को इसमें आपने फिक्स कर देना है किसी भी एडहेसिव से। इसमें हमने कुछ क्रश गिराया हुआ है और अब बाकी देखिए कि हम इसको किस तरह बनाते हैं जी। क्रश डाल लिया हमने, अब ये है ये आर्टिफिशियल जो है पत्ते हैं वो भी इसमें गिरा देंगे हम। ये है जी बॉटल की कटी हुई घास, ये हम घास डाल रहे हैं। ये सब चीज़ें प्लास्टिक की हैं, इसमें बॉटल ही यूज़ हुई है, एक बड़ी है, सफ़ेद कलर का होना इसका ज़रूरी है, दरमियान में आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। और इसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसके इर्द गिर्द जो है हमने क्रश डाला है, आर्टिफिशियल ग्रीन पत्ते डाले हैं और ग्रीन बोतल काट के उसका घास बनाया है और वो इसमें डाल रहे हैं एक साइड पर। और ये जो फिश है ये भी बॉटल की बनी है, वाइट और ग्रीन दोनों ही कलर की बॉटल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इनको ड्रा करके ये फिश बनी हुई है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको इनके साथ जो है थ्रेड नज़र आ रहा है, ये मोटा थ्रेड है जो एडहेसिव के साथ इसमें जो है हमने लगाया हुआ है। और अब बारी है, अब फिश से तो समझ गए होंगे कि ये क्या है जी। जनाब, ये हम बना रहे हैं फिश एक्वेरियम, बहुत सा खूबसूरत सा फिश एक्वेरियम है, ये आप भी बना सकते हैं। अब बारी है इसको, फिश को लगाने की। और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं हॉट ग्लू का।
ये हम फिश ऊपर नीचे रखकर लगा रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये पानी की बॉटल है जो इसमें गिराने के लिए रखी हुई है। अभी तो हमारी काफी फिश पड़ी हुई है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये देखिए फिश, इसको मैं धागे के साथ जो है चिपकाया हुआ है। ये देखिए आपको फिश नज़र आ रही होंगी, ये धागे के साथ अंदर लटकाई जा रही है और इसको हॉट ग्लू से लगाया जा रहा है। और आपको मछलियों को खाने का, मछलियों के खाने का सामान भी नज़र आ रहा होगा, उनके छोटे छोटे पत्थर, उनका घास और पत्ते। और ये स्पेशल मछलियाँ जो कलरफुल हमने प्लास्टिक की बोतल पर ड्रा करके हमने बनाई हैं और उनको कलर दिया है। जो एक्स्ट्रा धागा बच जाएगा ये उनको काट रही हैं, आप भी काट दीजिएगा, आप भी ज़रूर बनाइएगा। ये दरअसल बच्चों के लिए है और बच्चे इसे देखकर बहुत खुश होंगे। और हम आपको किसी दिन, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि फूल बनाना सिखाएंगे, इसी तरह हम आपको ये बताएंगे कि ये सारी चीज़ें जो ये जो घास बना है और पत्तियां तो है या आर्टिफिशियल, ये जो घास बना है बोतल का, इसकी कटिंग की ये बहुत आसान है। और ये फिश भी ड्रा किया हम किसी दिन आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह ड्रा किया है। और ज़ाहिर है इनको कलर्स किया है ड्रा करने के बाद, और इसकी कटिंग कर ली है फिश की, और एक बोतल इसके अंदर रखी हुई है।
फिश एक्वेरियम की लुक आ सके। और इसके लिए वाइट बॉटल का होना ज़रूरी है, आपको पता है, आपने फिश एक्वेरियम देखे होंगे। ये हमारी मछली है, ये ज़रा लटका के दिखाइएगा, एक मछली धागे से पकड़ के। ये देखिए किस तरह, ये देखिए इस तरह से। हम चाहते हैं कि आपको पूरी समझ आए, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो रह जाए। ऐसी मछलियाँ होती हैं ना समंदर में, रंग बिरंगी कलरफुल, बहुत प्यारी लगती हैं। समंदर में भी होती हैं, आपने टीवी में देखा होगा, और फिश एक्वेरियम में तो होती हैं। देखिए हमने कितने बेल बूटे उगाए हैं मछलियों के लिए, ताकि ये भूखी ना मरे। Thank you.
हमारी सारी मछलियाँ फिश एक्वेरियम में चली गई हैं और अब हम अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या है। जी, ये हम पानी डाल रहे हैं ताकि मछलियाँ पानी के बगैर मर ना जाए, इसलिए हमने फ़ौरन से पानी डाल दिया है उनको अंदर डाल के। पानी के साथ आपको बेल बूटे अच्छी तरह से नज़र आ रहे होंगे, आपको क्रश नज़र आ रहा होगा, आपको बॉटल का कटा घास और आर्टिफिशियल पत्ते क्रश, और ये हमारी फिश, और ये हमने डाले हैं कुछ पर जो कि साइड पे जाएंगे। ये पानी के ऊपर और एक स्पेशल बात ये, आप इसके अंदर देखिए मछलियाँ भी हैं और ये देखिए इसके अंदर एक बॉटल लगा रखी है और इसको अब हमने कुछ अब इसको इस बॉटल को ये जो ये बॉटल लगी है इसके अंदर कुछ नहीं है, ये खाली है। अब इसको हमने बंद करना है क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं वो ये साइड पे हैं बड़ी बॉटल में। जो छोटी बॉटल है इसमें कुछ भी नहीं है, जो हमने चार्ट पेपर का सर्कल लगाया है अंदर वाली खाली बोतल में, इसमें कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ फिश एक्वेरियम के लिए उसको स्पेस देने के लिए बनाई है। इसी तरह से अब इसको हमने बंद कर देना है क्योंकि ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है। इसको साइडों से इसलिए बंद किया जा रहा है ताकि पानी बाहर ना आए और आराम से उठाकर हम इसको कहीं भी रख दें।
हमारी सारी मछलियाँ किस तरफ हैं, ये देखिए मछलियाँ भी, हमारी मछलियाँ मोतियों में रहती हैं, ये देखिए आपको पर्ल भी नज़र आ रहे होंगे। और आपको फिश नज़र आ रही हैं, ऑरेंज कलर की, और ये ग्रीन कलर की, ये देखिए, और ये डॉट वाली फिश, ब्राउन फिश। अब ऊपर से अंदर से ये देखिए, ये बिल्कुल खाली है, आप इसमें कोई चीज़ भी रख सकते हैं। आप कुछ और अगर नहीं रखना चाहते इसमें कुछ, और आप इसको बंद करना चाहते हैं, जैसे कि हम इसको बंद कर रहे हैं, तो ये एक देखिए हम झांके अंदर, ओफो मछलियाँ, आप इसको खूबसूरत बनाने के लिए जितने चाहें और जितने किस्म के चाहें पर डाल सकते हैं पानी में। जब हमने ग्लू गन के साथ ये जोड़ा था, और ये जो कार्डबोर्ड का एक हमने सर्कल लगाया है, इसको हम ये जो ग्लू गन के साथ इसको फिक्स किया है, जो हमारा ग्लू नज़र आ रहा है वो नज़र ना आए, उसके लिए कुछ ये स्टार नुमा से हैं वो हमने रख दिए हैं। और अब आप इसको फिक्स करने के लिए हम इसका ढक्कन लाएंगे। जी जनाब, ये ढक्कन आपने देखा, ये देखिए ये ढक्कन, खूबसूरत सा ढक्कन, आप हमारे पास से यूज़लेस पड़ा था, और इसको हमने पर्ल के साथ जो है सजा लिया है, और ये बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। और ये देखिए फिश एक्वेरियम हमारा फुल तैयार है। इसको किसी ऐसी जगह पे रख के दिखाएं जहाँ पे ये नज़र भी आए। इसकी सारी फिश जो है हमें नज़र आए, इसकी सारी फिश ये देखिए, ये देखिए आप इसे गोल गोल घुमाइए, ये देखिए ये फिश नज़र आ रही होंगी आपको, और नीचे क्रश। छोटे बच्चे जो आपके आपको तंग करते हैं, आप उनको ये बना के दें, वो पहले से कम तंग करना शुरू करेंगे आपको। और इसमें बनी हुई मछलियाँ और ये घास और ये चीज़ें देखेंगे, और इसको बार बार थोड़ी थोड़ी चुपिश देते रहें, और ये बना हमारा फिश एक्वेरियम कंप्लीट हो गया है। तो
अब हमें इजाज़त दीजिए, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।